हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मेरे को ना एक प्रॉब्लम आती है। जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो बहुत देर तक उसमें व्यूज़ नहीं आते, और फिर जैसे मैं YT स्टूडियो खोल के देखती हूँ तो थोड़ी बहुत तो व्यूज़ आते हैं, फिर उसके बाद डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैं दूसरों की वीडियोज़ देखती हूँ तो उसमें जैसे थंबनेल देखती हूँ कि YT स्टूडियो ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो दो चार बंदे तो बोलेंगे कि आपका चैनल डेड हो जाता है, बार बार आप YT स्टूडियो खोलते हो, बार बार अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ चेक करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ग्रीन वाली एरो ऊपर जाती है वो वाइट होके नीचे आ जाती है और फिर आपका चैनल भी डेड हो जाता है। फिर दूसरी वीडियो सर्च करते हैं, उसमें देखते हैं तो कहते हैं कि YT स्टूडियो होता किस लिए है। इसीलिए होता है कि आप उसको देखो, थंबनेल चेंज करो, ठीक है, और उसमें जो भी टैग्स वगैरह लगाने हैं वो लगाओ, सब कुछ करो, और कुछ नहीं होता। वो इसीलिए दिया गया है कि भाई आप उसको यूज़ करो, उसमें कमेंट्स देखो किसके कितने आए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कौन सी वीडियो चल रही है, नहीं चल रही है। अब ये बताओ आप कि भाई हमें किसकी माननी चाहिए। देखो, अगर हमारी वीडियो में दम होगा, आपको नहीं लगता कि आप देखो या ना देखो यूट्यूब का स्टूडियो तो वो चलेगी चलेगी, है ना, ठीक है। तो भाई जिसमें जिसमें दम होगा ना, जिस वीडियो में, तो 50 बार देखो, 500 बार देखो, वो वीडियो चलेगी। और फिर अगर कंफ्यूजन है ना, तो एक काम करके देखते हैं, आप भी देखना कि एक वीडियो डालना, उसको बार बार यूट्यूब के स्टूडियो को ओपन कर करके देखना कि भाई वो चल रही है नहीं चल रही है, और उसी वीडियो को एक दूसरे चैनल पर डालना और देखना मत 3-4 घंटे, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई किस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितना दूसरों की वीडियो देखते हैं हम उतने ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप खुद ही करके देखो ये सब। तो मुझे तो लगता है कि अब मैं भी देखती हूँ, कई बार देखने से व्यूज़ डाउन भी हो जाते हैं और कई बार देखने से वीडियो थोड़ी अच्छी भी चली जाती है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें एक दिन तो व्यू नहीं आया, अगले दिन उसमें 600-700 व्यूज़ आ गए, जबकि वो वीडियो कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये YT स्टूडियो मेरे ख्याल से तो यूज़ करने के लिए दिया है, आपकी फैसिलिटी के लिए दिया है। हाँ, उसमें ये है कि आप अपने चैनल पे जाके अपनी वीडियो मत देखो, आप ऐड देखोगे तो उसमें शायद इनवैलिड क्लिक आ जाता है कि भाई आप खुद से उसके व्यूज़ बढ़ा रहे हो। बट YT स्टूडियो ओपन करने से थोड़े ना व्यूज़ बढ़ते हैं, उसमें तो सिर्फ आप देख सकते हो कि भाई उसमें मतलब कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, हमारी वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, हम जो मेहनत करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो, आप अपना काम करते रहो और मेहनत करते रहो, और जितना हम दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखेंगे ना, वो सिर्फ हमें घुमाते हैं। मुझे तो यही लगता है। मेरे चैनल पे पहले इतने अच्छे व्यूज़ आते थे, और जब से मैंने क्रिएटर की वीडियोस देखना शुरू किया है ना, तब से ना मेरा तो चैनल बहुत ही मतलब डाउन हो गया है, क्योंकि मैं इनको देख के डिस्क्रिप्शन लगाओ, टैग्स लगाओ, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, सब कुछ करके देखिए, कुछ नहीं होता, ना ही 2 मिनट में वीडियो वायरल होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। आप दूसरों की बातों में मत आओ, बस मेहनत करते रहो, कुछ नहीं पता कब आपकी भी वीडियो वायरल हो जाए। और कई बार तो मैं टैग्स भी नहीं लगाती, वो मेरी इतनी अच्छी शॉर्ट्स चल जाती है, और कई बार इनके कहने से सब कुछ करती हूँ तो उस पर 200-300 व्यूज़ ही आते हैं और वो रुक जाती है, ठीक है। इससे पहले जब मैं इनकी वीडियोज़ नहीं देखती थी, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 20-20 हज़ार भी व्यूज़ मेरी शॉर्ट्स पे भी आए हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। बस आप एक तो रेगुलर रहें आई थिंक, और मेहनत करते रहें और कंसिस्टेंसी रखें, तो आपका भी चैनल ज़रूर ग्रो होगा। थैंक यू सो मच।